आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने पैन कार्ड में आप अपनी फोटो और साइन को कैसे लगा सकते हैं। सो गाइज, मैं हूं परवेज खान और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जब आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं अपने आधार कार्ड से, तो उसमें आधार कार्ड की ही फोटो आ जाती है और अपने पैन कार्ड में अपनी मनचाही फोटो और साइन लगाने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें फोटो और साइन को आपको केबी में चेंज करना पड़ेगा, जबकि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पीडीएफ में भी चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आई बटन पे ये वीडियो दे दिया है जो मैंने पहले बनाया हुआ था कि पैन कार्ड में आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर चेंज करेक्शन इन पैन डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे दो मोड दिया है, फिजिकल एंड डिजिटल। फिजिकल में आपको यूटीआई के ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, जबकि डिजिटल में पेपरलेस है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जमा नहीं करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आधार से रिलेटेड ऑप्शन दिया है, तो हम सेकंड ऑप्शन चूज कर लेंगे, जैसे साइन यूजिंग आधार बेस ई साइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, और सेकंड ऑप्शन है ई पैन और नो फिजिकल पैन कार्ड, यानी कि आपका फिजिकल भी आएगा और डिजिटल भी पैन कार्ड मिल जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम फिर नीचे आने के बाद हम यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर करेंगे, फिर से री इंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। सेकंड पेज ओपन होते ही आपके पास ये एक रेफरल नंबर मिल जाएगा, जिसे कॉपी करके आप रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नेम डिटेल्स वगैरह सब कुछ भरेंगे, जैसे नेम टाइटल में आप श्री श्रीमती, उसके बाद अपना नाम मिडिल नेम, उसके बाद आपका फादर का नाम यहाँ पे, उसके बाद आप अपने मदर का नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज ये छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट पैन कार्ड पे जिसका नाम भी होना चाहिए, या मदर या फादर का, जो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिटेल देना होगा, यहाँ पे अपना नाम जो भी हमने बताया आप फिल कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से मेल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आधार नंबर फिर से फिलअप करेंगे, फिर से अपना नाम फिल करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते ही आपके सामने एड्रेस फिल करना होगा, जैसे यहाँ पे एड्रेस में कम्युनिकेशन एड्रेस है और एक ऑफिस का एड्रेस है, तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस जो भी है, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड वगैरह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी देंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सारा एड्रेस आप फिल कर लेंगे। सभी चीज़ें फिल करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से अपना इंडिया चूज़ कर लेंगे ISD कोड में। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर टेलीफोन नंबर देंगे, ईमेल आईडी देने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो मैच और सिग्नेचर मिसमैच करना चाहते हैं तो दोनों पे टिक रहने देंगे। उसके बाद एक पैन नंबर फिल कर लेंगे, अगर दूसरा पैन भी है तो उसका भी नंबर फिल कर लेंगे, लेकिन वहाँ से आपको कट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई हैव जो दिया है, यहाँ पे अपना नाम भरेंगे और डॉक्यूमेंट जो भी आप देना चाहते हैं वहाँ पे उसका नंबर सिलेक्ट करेंगे, प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट करेंगे पेमेंट के लिए। चलिए हम ये भी कर लेते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया, प्लेस कर देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करते ही आपके सामने आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे सिलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ दिया है, जहाँ से आप सिर्फ आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से तीन डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड ही देना होगा। यहाँ से अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे, पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट फ़ोटो फाइल पे अपनी जो भी फ़ोटो आप लगवाना चाहते हैं वो फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद वो भी सिग्नेचर भी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको केबी में करना है, जो कि मैंने पहले आपको वीडियो बना दिया है आई बटन पे, वो वीडियो आपको मिल जाएगी।
उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा पेमेंट के लिए। पेमेंट मेथड कैसे करते हैं चलिए हम आपको बता देते हैं। इसके बाद पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट मोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना UPI ID डालेंगे और सिर्फ 50 रुपये आपको यहाँ पे देने होंगे। देने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट होने के बाद ये अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने एक पेमेंट की स्लिप आ जाएगी जिसे आप अपना सेव करके रख लेंगे उसे या प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आपको जब स्टेटस चेक करना होगा तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स आ चुकी है। हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जनरेट प्रिंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने जो हमारी ये रसीद आ चुकी है उसके बाद इसे सेव कर लेंगे PDF में, और इसका जो भी रेफरल नंबर है इसे हम सेव कर लेंगे कि आप अपना स्टेटस चेक कर सकें बाद में। इसके बाद आपके एक ईमेल आईडी पे जो भी आपने दिया था वहाँ पे एक डिजिटल कॉपी भेज दी गई है, जिसे ओपन करने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जिसका प्रोसेस मैंने पहले वीडियो में बता दिया है।